तारीख को भैरवा स्थान थाना अंतर्गत में सूचना मिली थी, गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी जो हैं इकट्ठा हुए हैं डकैती घटना देने के लिए, घटना को अंजाम करने के लिए। तो उस इस सूचना को वेरीफाई करने के लिए एसडीपीओ जंजारपुर के नेतृत्व में और उसमें SHO भैरव स्थान को शामिल किया गया और टेक्निकल टीम को शामिल किया गया, क्योंकि उसके नेतृत्व में वेरीफाई करने के लिए भेजा गया। उसी वेरिफिकेशन के क्रम में यह पता लगा कि बक्कू झा जो है उसके घर में ये सारे अपराधी एकत्रित हुए हैं प्लानिंग करने के लिए। वहाँ पे रेड किया गया, उसमें 5 जो है अपराधी मौके पर पकड़े गए और उनके पास से 1 कट्टा देसी कट्टा और 1 देसी पिस्टल बरामद हुआ। उसके अलावा जिंदा कारतूस 3 बरामद हुआ है और 1 मिसफायर कारतूस बरामद हुआ है। उसके अलावा 7 मोबाइल जो उनके पास से बरामद किया गया है और 2 मोटरसाइकिल उसको भी बरामद किया गया है। इसके लिए उनको उनके ऊपर एक कांड 23-23 दर्ज किया गया है, उनको जेल भेजा जाएगा अभी। और ये जो 5 गिरफ्तार हुए हैं इनमें जो 3 ऐसे अपराधी हैं जिनकी पुराना आपराधिक इतिहास है, सभी का आपराधिक इतिहास गंभीर कांडों में है, जैसे कि हत्या, लूट, डकैती में। 1 गौरी शंकर यादव है, उम्र 22 वर्ष, पिता रामाशीष यादव, कलिकापुर का, गोगाडिया थाना का है। इसके ऊपर 5 केसेज है पहले से, सारे गंभीर हत्या और डकैती के कांडों के ये अभियुक्त रहा है। दूसरा जो है सत्यनारायण पंजियार है, ये थाना गुगडिया का ये भी है, इसके ऊपर भी 392 मतलब लूट के केस के 2 केस इस पे पहले से आपराधिक इतिहास रहा है। उसके अलावा राहुल कुमार यादव, ये नौटोलिया भैरव स्थान का ही है, इसके ऊपर भी 2 आपराधिक इतिहास पहले के हैं, दोनों लूट के कांड में ये पहले से अभियुक्त रह चुका है। उसके अलावा शिव कुमार झा और बक्कू झा जिसके घर पे ये लोग प्लानिंग कर रहे थे, वो उसकी गिरफ्तारी हुई है। और 5वां है जो विजय